नमस्कार, मैं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसयू स्टॉक पीएनबी बैंक के बारे में, जिसकी बाइंग हो सकता है आपकी 30, 32, 35 या फिर कुछ ऐसे भी आप में से होंगे जिनकी बाइंग 80, 90 रुपए के आसपास की रही होगी। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर 8% की तेजी दिखी, 52 वीक हाई पे ट्रेड करते हुए दिखा। साथ में ही मैं आपको बता दूं, शायद अगर पता ना हो, कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 280-300 के आसपास के प्राइस पे है। ओवरऑल मार्केट के अंदर जितने भी इंडेक्स थे, वो चाहे आईटी हो, फार्मा हो, या जो प्राइवेट बैंक है, मेटल है, हर स्टॉक के अंदर हमने जितने भी डिफरेंट इंडेक्स के स्टॉक के अंदर शानदार तेजी देखा है। कुछ ऐसे भी स्टॉक रहे जो 20 टाइम्स के रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन पीएसयू बैंक के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखा है। वो चाहे एसबीआई हो, या फिर कैनरा बैंक हो, या पीएनबी बैंक हो, बीओबी, बहुत सारे ऐसे बैंक है। एसबीआई, कैनरा बैंक ने भी ठीक ठाक रिटर्न दे दिया है। इस समय अगर बारी है तो पीएनबी बैंक की, जिसको कि हम आईटी से भी कंपेयर कर रहे हैं। आईटीसी शेयर से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि इन दोनों स्टॉक के अंदर बहुत कम तेजी देखने को मिलता है। लेकिन पर्सनली मैं दोनों स्टॉक पे बुलिश हूं और पीएनबी पे ओवर बुलिश हूं। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में भी इस स्टॉक के अंदर पोजिशन बनाया जा सकता है। जहां इस समय इस स्टॉक का प्राइस 46 रुपए के आसपास है, वहीं पे 38 रुपए के स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें और जो टारगेट अगले 2 साल में होगा वो 120 प्लस का टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। नमस्कार।